10,800 के लेकिन करीब 10,812 10,813 के जोन पे कर रहे हैं इस समय हम कामकाज, तो जिनके लो से उभरे लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक भी नहीं पा रहे, तो एग्जैक्टली कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द हम घूमते हुए, दो दिन की पिटाई के बाद आज भी थोड़ी सी कमजोरी, तो इनहेरेंट थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, लेकिन एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं, जैसे मुदित गोयल से मेरी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, उनका मानना अब तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 10,750 10,760 जब तक नहीं टूटता बाजार में गिरावट में खरीदारी करने के मन बनाना है हमें, अभी तक ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। इस बीच अच्छा कुछ रिजल्ट स्क्रीन पर आ रहे हैं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्टेड था मुनाफे में तगड़ा उछाल आएगा, और देखिए आपकी स्क्रीन पर Q3 में मुनाफा 62% उछलता हुआ इस कंपनी का, आय में 60% का उछाल, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की तरफ से वो स्ट्रॉन्ग रन रेट जो है वो कंटिन्यू होता हुआ, 60% 62% का मुनाफे और प्रॉफिटेबिलिटी में उछाल, इबीटा 46% उछला है, और मार्जिन जो है कैलकुलेट जो करें वो 22.8% के आसपास इस कंपनी ने मार्जिन क्लॉक करे, और एज एक्सपेक्टेड हाइएस्ट एवर ऑर्डर बुक 10,321 करोड़ रुपए पे इस कंपनी की ऑर्डर बुक खड़ी हुई, और जैसे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं वो स्टॉक में तगड़ा उछाल आपकी स्क्रीन पर, 1.25% की मजबूती के साथ ये स्टॉक कामकाज करता हुआ, डायरेक्टर साहब जरा एक साल का चार्ट फायर करें इस कंपनी का तो आपको समझ में आएगा, एक बहुत तगड़ी रेटिंग हुई थी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की, डबल डिजिट से हमने देखा था इस तरह का मूव आया था, और ऊपरी स्तरों से वो ठंडा पड़ा था, कंसोलिडेट कर रहा था, और उस कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्ट्रांग नंबर्स, पर ये स्ट्रांग नंबर्स बाजार को पता था, जितनी ब्रोकरेज रिपोर्ट जो ट्रैक करती हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को जो ब्रोकरेजेस, सब मानते थे नंबर्स स्ट्रांग आएंगे, लेकिन हाँ डिलीवर करा है कंपनी ने अच्छे नंबर्स आते हुए, और स्क्रीन पर रिएक्शन, एक NIIT लिमिटेड के रिजल्ट्स आए थे जब मैं हेडलाइन पढ़ रहा था उस समय, NIIT लिमिटेड के नंबर्स ठंडे हैं, ध्यान रखें उस स्टॉक ने उस कंपनी ने काफी लंबे अरसे से कुछ करके नहीं दिया है, उसमें बस एक ही होप है कि NIIT टेक्नोलॉजी NIIT लिमिटेड का स्टॉक लेकर आया, आप स्क्रीन पर देखिए प्रेशर आता हुआ, एक ही होप है कि NIIT टेक्नोलॉजीज में जो इनका स्टेक है, अगर वो स्टेक वाकई बेचने के लिए तैयार है, मैनेजमेंट से बातचीत करनी है हमें अभी रिजल्ट्स के बाद, तो नंबर्स पे तब वो मोमेंटम पकड़ेगा शायद ये स्टॉक, अदरवाइज नंबर्स लैकलस्टर, और जहां से इस रैली की शुरुआत हुई थी 88 के आसपास के लेवल्स पे वापस, इस बात का ध्यान रखें एक ही ट्रिगर है इस कंपनी के लिए NIIT टेक का, जहां पे वो स्टेक से लगर होती है तो। इस बीच रशे शाह साहब एडलवाइस के नंबर्स पे बात करते हुए क्विकली वहां पे चलते हैं, उसके बाद होता साहब इंतजार कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स बीन एज पर द प्लान एज पर द स्ट्रेटजी वी हैड दैट वी वांटेड टू स्केल बैक वी वांटेड टू कंजर्व लिक्विडिटी वी वांटेड टू मेक द बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर बिकॉज इन अक्टूबर नवंबर यू हैड नो आइडिया हाउ थिंग्स वुड पैन आउट. I think on the whole, the NBFC industry, the financial services industry, will become stronger as a result of that. We are happy in hindsight that this stress test happened for the industry, and I'm sure industry as a whole, we as an organization have also learned some new things, the importance of cash flow granularity, the importance of conservative D ratios, the importance of communication, the importance of communicating with your customers, all of that has been something we have learned and improved in this quarter. Our overall credit book has continued to be strong, asset quality is under control. Our end of period credit book was 42,380 crores, which is up 18% from the last year same quarter. It is adequately collateralized. चलिए रशीद शाह साहब अपने नंबर्स पे बताते हुए और एनवायरनमेंट जो दिक्कत भरा था उस पर भी थोड़ी सी लाइट शेड करते हुए, तो फिर एक काम इससे अच्छा क्या हो सकता है, इस बात को छेड़ ही दिया हमने एनवायरनमेंट को, तो कैनफिन होम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर इसके होता साहब जुड़ते हुए, होता साहब के जो कंपनी है कैनफिन होम्स के नंबर्स आए थे कल 2:32 पे आए थे, मुझे याद है फ्लैश चल रहा था CNBC आवाज पर, तो वो वोलेटिलिटी थी और आज कुछ प्रेशर माउंट होता हुआ, नंबर्स आप लोग स्क्रीन पर हमारे डायरेक्टर साहब फायर कर देंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। होता साहब स्वागत है CNBC आवाज पर, इस नंबर्स की सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट लगी है कि एक डिसबर्समेंट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और हमारी रिसर्च कहती है पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिसबर्समेंट डिक्लाइन होते हुए इस कंपनी के नजर आ रहे हैं साल दर साल क्यू ऑन क्यू, क्या हुआ सर? नमस्कार आशीष जी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डिक्लाइन दिख रहा है क्वार्टर टू के कंपैरिजन में क्वार्टर थ्री में, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो डिसबर्समेंट में कमी नहीं है. दूसरी और एक बात यह है कि इस बार की क्वार्टर थ्री में सैंक्शंस ज्यादा होती है फेस्टिव सीजन में, जो डिसबर्समेंट स्पिल ओवर होता है क्वार्टर फोर में. और जहाँ तक रही बात जो इंक्रीमेंटल लोन बुक ग्रोथ की, इस बार की क्वार्टर थ्री आप ये जरूर मानेंगे कि क्वार्टर थ्री
शुरुआत हम लोगों ने कैसे की है NBFCs के लिए और HFCs के लिए कि सारे टीवी चैनल्स आप लोगों का डिस्कशन पूरा अक्टूबर की पहला 15 दिन तो उसी में गया कि लिक्विडिटी इश्यूज एंड ऑल दैट। तो क्वार्टर की शुरुआत ऐसे रही, उसके साथ जो एक्टिव नंबर ऑफ डेज है वो नंबर ऑफ डेज रियली क्वार्टर थ्री में कम रहा है। लेकिन डिसबर्समेंट की रही बात, हम फील्ड में ये देख रहे हैं कि ट्रैक्शन बहुत अच्छी है और हम लोगों की जो लोन बुक ग्रोथ है उसमें डी ग्रोथ आता अगर डिसबर्समेंट्स में या एक्टिविटीज़ में कमी होती। तो ये ज़रूर है कि कुछ स्पिल ओवर इफेक्ट उसका आपको दिखेगा, क्वार्टर फोर में उछाल दिखेगी आपको डिसबर्समेंट्स में, और आने वाला हर तिमाही यहाँ से आगे ज़रूर बेहतर ही होना चाहिए। रही बात एक है ग्रोथ, दूसरी और एक बात है कॉस्ट ऑफ फंड्स इतना ज़्यादा बढ़ा है इस बीच में लिक्विडिटी के इशू के डिस्कशन के चलते। रही बात कैनफिन के लिए, कभी लिक्विडिटी इशू नहीं रहा है लेकिन प्राइसिंग की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात है वो मार्केट रिलेटेड है, उसमें हम लोगों की कंट्रोल कम है, मार्केट डिसाइड करता है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है नए वर्ष की शुरुआत हम लोगों की। आपने बहुत सारी बात करी उसमें एक इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि अक्टूबर के महीने में क्या था, बैंडविड्थ कहीं और थी, तो हम लोग क्या मीडिया वाले बहुत परेशान कर रहे थे तो आप धंधे पे फोकस नहीं कर पाए क्या, ऐसा था क्या? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो क्वार्टर वन की जो क्वार्टर थ्री की पहले तिमाही की पहले 15 दिन की शुरुआत डिस्कशन है लिक्विडिटी की, जरूर इसके चलते इशू काफ़ी रहा है, काफ़ी डिस्कशन रहा है मार्केट में, वो एक्टिविटीज़ को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बोरोइंग का आपका आप देखिए कॉस्ट ऑफ फंड में उछाल आई है इसी क्वार्टर में कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। कॉस्ट ऑफ फंड जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारे कंपनी का, अगर ये सारे डिस्कशन के चलते और बैंकों की MCLR में इतने बढ़ोतरी के बावजूद अगर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ फंड को होल्ड कर पाए हैं, मार्जिन्स को होल्ड कर पाए हैं और उसके साथ 17% की ग्रोथ दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। और क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में हम लोगों की जो NII जो कोर इनकम होता है किसी फाइनेंस कंपनी का, जो NII की ग्रोथ है वो 2% 3% रहता था, इस क्वार्टर में हम लोगों की 7% की NII ग्रोथ है, ये सबसे बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है। सारे रिटर्न रेशियो हम लोग होल्ड कर पाए हैं, ROA, ROE ये सारे हम होल्ड किए हैं। नहीं हाँ ये तो सच है, NII में 7% का साल दर साल उछाल और मुनाफा 21.5% बढ़ता हुआ नजर आया इस कंपनी का। अच्छा तो कई लोग वो कह रहे थे कि लिक्विडिटी क्राइसिस के पहले विक्टिम है कैनफिन होम्स, तो ये कहना गलत होगा, लिक्विडिटी से इश्यूज थे लेकिन इनहेरेंट इतनी कोई वीकनेस नहीं है ना। कैनफिन के लिए लिक्विडिटी ना तो पहले था ना अभी है, लिक्विडिटी की इशू हमारे लिए रही नहीं है, लेकिन जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ फंड दूसरों के चलते मार्केट के चलते हमारा भी बढ़ा है। तो आपने कहा लेकिन हम सक्सेसफुल रहे उसको पासन करने में। Q3 में जो एबरेशन आया आपने कहा सैंक्शंस हुए लेकिन डिसबर्समेंट नहीं हुए, आसान शब्दों में हम रिटेल लोगों को समझने के लिए घर पे बैठे हुए, आपने फाइलें तो साइन कर दी लेकिन वो पैसा नहीं दिया था, वो पैसा जो है अगले तिमाही में जाता हुआ नजर आएगा, ऐसा है क्या? ना ना ऐसा नहीं है, ये है कि जो क्वार्टर थ्री में सैंक्शन होते हैं हम लोग ज्यादा फ्लैट बाइंग को नहीं देते हैं, फ्लैट बाइंग के साथ हम लोगों की सेल्फ कंस्ट्रक्शन बहुत होता है, आपके पास जो फाइलें आती हैं वो मकान बनाते बनाते बहुत बहुत से लोग ड्रॉ करते हैं बाद में, ये नहीं कि हमारा डिसबर्समेंट में कमी आई है। आप अगर नंबर देखेंगे पिछले वर्ष जो नंबर था क्वार्टर थ्री में इस बार उससे बेहतर ही है, लगभग उसी के बराबर ही है, कमी नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 9 महीने की डिसबर्समेंट की फिगर वो 3% की उछाल है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो इंक्रीज है, ऐसा नहीं कि डिस्बर्समेंट में कमी आई है। अच्छा हाँ ये बात सही है, डिस्पाइट लिक्विडिटी क्राइसिस या जो भी दिक्कतें थी NIMs इंप्रूव हुए हैं 3.17% से 3.18% जो कि सर होता सर बता भी रहे। अच्छा इस क्वार्टर में एसेट क्वालिटी डिटेरियरेट हुई है, हाँ ये अल्बीट की कैनफिन होम्स की बेस्ट इन इंडस्ट्री एसेट क्वालिटी इसमें कोई शक नहीं सर, लेकिन आप अपने ही पैरामीटर सेट करते हैं तो उसके हिसाब से डिटेरियरेशन नजर आता है मुझे। लास्ट क्वार्टर में 0.63% था, इस बार वो बढ़कर 0.71% ग्रॉस NPA पहुंच गया है, 7-8 basis points का डिविएशन है, ये एसेट क्वालिटी को लेकर कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? ये जरूर है, नहीं नहीं एसेट क्वालिटी में ऐसा है, ये वही कारण होती है कि त्योहारों के टाइम पे आप किसी के पास वसूली के लिए जाते हैं तो कभी डिफरमेंट थोड़ा सा रहता है, और एसेट क्वालिटी हमारे लिए इशू नहीं रहा है। ये जो 8 basis points की आप इंक्रीज देख रहे हैं ग्रॉस NPA में उसमें हमें कोई ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये क्वार्टर फोर के एंड तक वर्ष के अंत तक आपको ये जरूर दिखेगा कि कैनफिन की वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एसेट क्वालिटी हमारी। ठीक बात, तो ये एबरेशन मान के चल रहा हूँ डिसबर्समेंट्स में इस क्वार्टर में होता सर, सब्सिक्वेंट क्वार्टर में उसमें भी एक मार्क्ड पिकअप मैं एक्सपेक्ट करूं तो ऐसा नहीं है, वन क्वार्टर एबरेशन था, हालात सुधरते हुए नजर आएंगे जब आप Q4 के नंबर्स हमारे सामने रखेंगे, है ना?
बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा मान सकते हैं। आपकी कमेंट्री से बाजार थ्री में अगर सारे त्योहारें आ जाती हैं तो ये जरूर है कि हाँ जी सर ठीक है, तो लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश, क्योंकि अक्टूबर नवंबर अक्टूबर के कंपैरिजन में जो नवंबर दिसंबर की डिसबर्समेंट है वही बताता है, नवंबर दिसंबर में जो ट्रैक्शन हम देखे हैं वो आगे चलकर क्वार्टर फोर में, हमेशा क्वार्टर फोर कैनफिन के लिए सबसे बेहतर क्वार्टर रहा है कि हम भी यही हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि क्वार्टर फोर जो ईयर एंड है वो पिछले वर्ष के क्वार्टर फोर के कंपैरिजन में इस बार का क्वार्टर फोर आपको बहुत ही अच्छा क्वार्टर मिलेगा। ठीक बात, चलिए पिल्लई साहब धन्यवाद वक्त निकालने के होता था धन्यवाद वक्त निकालने के लिए क्योंकि अब वो पिल्लई साहब इंतजार कर रहे हैं, वॉल्चर इंडस्ट्रीज के एमडी और सीईओ जीके पिल्लई अब जुड़ते हुए। पिल्लई सर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर, खबर अच्छी आई आपकी कंपनी के लिए, इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ आपने करार करा है S-139 एंड सेगमेंट्स के लिए, तो आसान शब्दों में ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हम PSLV प्रोग्राम कहते हैं उसके लिए कंपनी सप्लाई करेगी, 96 करोड़ रुपीज का वो ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगा है, तो पढ़ रहा था सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर अब तक का सर आपको मिला है, किस तरह के मार्जिन एंजॉय करेंगे आप और आपकी कंपनी का ये जो एरोस्पेस बिजनेस है इस समय कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्या हाल है उस धंधे के सर? सबसे पहले नमस्कार इस नए साल के आप सभी को और मेरे सारे प्रेक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू आपको भी सर। और इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जो वाल्सन नगर इंडस्ट्रीज को मिला है ISRO BSSC की तरफ से 96 करोड़ रुपए का है, इसमें क्रिटिकल S-139 कंपोनेंट जो है PSLV के लिए हम बनाएंगे। इसके पहले S-139 मतलब क्या हुआ? वो एक उनका टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, जो लॉन्च व्हीकल होते हैं उसके जो मोटर्स होते हैं उसको बोलते हैं S-139, अलग अलग साइज का है तो वो हम लोग बनाते आ रहे हैं, परंतु इतना लार्ज नंबर पे पहली बार ये एक ऑर्डर मिला है 96 करोड़ का। जैसा कि आपको मालूम है कि ISRO उनका जो प्लान से एक्सपेंशन चल रहा है, 6 लॉन्चेस से 12 लॉन्चेस से 18 लॉन्चेस करने की बात कर रहे हैं और वालचंद नगर के जो प्रोडक्ट्स अभी तक सप्लाई किए हैं सारे लॉन्च जो अब तक इस देश में हुए हैं उन सभी में वालचंद नगर का एक कंट्रीब्यूशन रहा है और ये इस बात का प्रतीक है कि ISRO वालचंद नगर के क्वालिटी वर्कमैनशिप और डिलीवरी से बहुत ही प्रभावित है और इसीलिए ये ऑर्डर हमें मिला है ना, ये ऑर्डर तो मिला। अब मुझे ये समझाएं ये एरोस्पेस बिजनेस जिसके अंतर्गत ये ऑर्डर शायद इसरो का आएगा आपके पास है ना जी, ये एरोस्पेस बिजनेस आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में कितना बड़ा है, कितना कंट्रीब्यूशन वहां से आता है और साथ साथ ये बात सच है जो आप कह रहे हैं इसरो के बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं अगले 3 सालों में अपने लॉन्च व्हीकल्स को बढ़ाने के, लॉन्चेस बढ़ाने के, तो किस तरह की विजिबिलिटी नजर आ रही है स्पेस को लेकर सर? जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमारी जो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज का जो DNA है अभी वो अभी सिर्फ DNA है, डिफेंस न्यूक्लियर एरोस्पेस, इन तीनों एरिया में ही कंपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही है जिसमें अपना प्रभाव बनाने के लिए और इस DNA के अंदर एरोस्पेस का जो बिजनेस है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दो बातों से महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये एक हाई क्वालिटी हाईएस्ट लेवल ऑफ यू नो वर्कमैनशिप और टेक्निकल एक्सपर्टाइज से हम लोग बनाते हैं, दूसरा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अभी के क्षेत्र में जो अभी जो मेरा प्रेजेंट ऑर्डर बैकलॉग है उसमें एरोस्पेस का जो ऑर्डर कंट्रीब्यूशन है करीब 150 करोड़ का है, 150 इंक्लूड ये 90 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है आपको, 96 करोड़ का बिल्कुल ये 96 करोड़ भी इंक्लूड करकर करीब 150 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है। और कुल ऑर्डर बैकलॉग कितना है सर अगर मैं DNA और A तीनों को मिला लूं तो? एक्चुअली अभी देखा जाए तो मेरा पूरा ऑर्डर बैकलॉग वालचंद नगर का करीब 831 करोड़ है जिसमें से करीब 60% ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया में है और 40% जो पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स है उनके लिए शुगर और बॉयलर के लिए है। तो नए ऑर्डर्स जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं मार्केट में आने की इन्हीं तीन एरिया में आ रहे हैं, डिफेंस न्यूक्लियर एरोस्पेस में भी आ रहे हैं। अच्छा और जैसे या बोलिए 111 साल हो गए शायद इस कंपनी को सर, आपने तो प्री इंडिपेंडेंस से देखा है धंधा पानी और आप ओवर द इयर्स कैसे बदल रहा है आप देख ही रहोगे, अब 111 साल हो गए मैं पढ़ रहा था सर इस बार के FY19 की गाइडेंस आपने बड़ी इंकरेजिंग दी थी, पहली बात आपने कही कि अब इस बार आप प्रॉफिट क्लॉक करेंगे, दूसरी बात आपने कही थी कि इस साल 500 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज क्लॉक करेंगे, अब तक जो पहली छमाई 6 मंथ्स हैं रेवेन्यूज 170 करोड़ रुपए के हुए हैं सर,
हाँ मुनाफा तो लग रहा है शायद आता हुआ नजर आएगा, अभी भी कॉन्फिडेंट प्रॉफिटेबल एंटिटी हो जाएगी यहाँ से अब ये कंपनी वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, और दूसरा 500 करोड़ की गाइडेंस जस की तस बनी हुई है सर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वालचंद नगर इंडस्ट्रीज पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट कर रही है, अभी चौथा, ये जो इस साल का जो दिसंबर क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स आने बाकी है, अभी 6 तारीख को बोर्ड मीटिंग है उसमें रिजल्ट्स को रखा जाएगा जिसके बाद उसमें अनाउंस भी होगा। परंतु ये मुझे कहते हुए खुशी है कि कंपनी की जो अभी जो स्थिति है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है, तो इतना ही मैं आज कह पाऊंगा। डेफिनेटली रिजल्ट के बाद आपसे और मुलाकात कर पाएंगे तो आपको इसके बारे में और स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि इस जो मार्च 2019 में है कंपनी की क्या स्थिति होने वाली है, इसके बारे में भी आपको तब तो जानकारी मिलेगी। तब तो एकदम कॉन्क्रीट स्टेटमेंट जानना चाहूंगा सर, मुनाफा आना ही नहीं आना। अच्छा ये वालचंद नगर कहां है, पुणे से थोड़ा आगे है ना जी? क्या बोले? वालचंद नगर ये पुणे के थोड़ा आगे है ना? वालचंद नगर है कहां? पुणे के पास, पुणे से 140 किलोमीटर दूर है। वालचंद नगर एक छोटा सा गांव है जहां पर ये फैक्ट्री स्थापित की गई है ऑलमोस्ट 100 साल पहले। अच्छा ठीक है, मैंने आउट ऑफ ऑर्डर क्यूरियोसिटी ऐसी मैंने पूछ लिया। लोअर लेवल से स्टॉक में भी रिकवरी आती है तो सर ये कमेंट्री पसंद आ रही है, लेकिन रिजल्ट आज ये खुशी की बात है। आज रात को 11:37 पर एक लॉन्च हो रहा है, एक सैटेलाइट एक लॉन्च व्हीकल ISRO कर रहा है, उसमें जो मिलिट्री के अलावा स्टूडेंट्स ने जो बनाया सैटेलाइट है उसका नाम है कलाम सैट। वो आज लॉन्च हो रहा है 11 बजे रात में। हाँ आज रात को 11:37 आपके इक्विपमेंट लगे हैं क्या? उसमें भी हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ये इसरो अपने पार्टनर्स को बुलाता नहीं है जो मदद करते हैं? आप लोग जाते नहीं है लॉन्च वॉन्च के लिए सर? बिल्कुल जाते हैं, हमने देखा हुआ लॉन्च को पास से देखा हुआ है, और एक एक तरह से एक रोमांचकारी स्थिति होती है जब हम देखते हैं कि हमारी मूवमेंट होता होगा हमारी कंपनी में, हमारे इस गांव में बनी हुई इक्विपमेंट जब ऊपर जाता है बहिराकाश में तो उसका एक अलग ही रोमांच होता है।